नमस्ते, एनबीटी ऑनलाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं नीलेश सिंह। इस समय हम बदलापुर विधानसभा में मौजूद हैं। यहां आज अखिलेश यादव की जनसभा होनी है। बस कुछ ही देर में अखिलेश यादव संबोधित करेंगे कलेरेपुर में जनसभा को। अभी उनका विजय रथ जो है बदलापुर चौराहे से होकर गुजरा है। इस समय हमसे बात करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के विभाग संगठन मंत्री महेंद्र शुक्ल जी मौजूद हैं। जी अच्छा, मैं सर आपसे जानना चाहता हूँ कि इस विधानसभा में अखिलेश यादव आए हैं, क्या माहौल है इस विधानसभा में, क्या लगता है आपको, इस बार समाजवादी पार्टी या भाजपा किसकी सरकार बन रही है? समाजवादी पार्टी का विषय नहीं, विषय ये है कि जो भीड़ थी उसमें किसी भी कार्यकर्ता ने समाजवादी पार्टी का नाम नहीं लिया जी, और उन्होंने सिर्फ अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए जी। तो किसी भी व्यवस्था का जो मुखिया होता है उसके नाम पे जयकारा लगे, इससे यह संदेश मिलता है कि पार्टी विचारधारा के आधार पर नहीं व्यक्ति केंद्रित संचालित हो रही है, जो कि व्यवस्था के लिए हानिकारक भी है। और नाम उन्होंने दिया विजय यात्रा। विजय यात्रा का नाम तब दिया जाता है जब किसी चीज की विजय हासिल कर ली जाए। विजय रथ यात्रा कही जा सकती है, और विजय यात्रा जो है विजय मिलने के बाद निकाली जाती है। इसी दौरान बदलापुर महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संचालित यहाँ के विधायक माननीय रमेश चंद्र मिश्र जी के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और बदलापुर महोत्सव शब्द जो है यह किसी कारण से होता है, और यह कारण है कि राम जन्मभूमि का शिलान्यास हो चुका है, निर्माण कार्य हो चुका है, हिंदू समाज का गौरव और राष्ट्र का प्रतीक और राष्ट्र का सम्मान बढ़ रहा है। इसी उपलक्ष्य में बदलापुर महोत्सव का आयोजन किया गया है। अच्छा, अखिलेश यादव लगातार जो है, अभी उन्होंने हमला किया है प्रधानमंत्री के ऊपर काशी लोकार्पण के समय, कहा कि जो अंतिम समय में लोग काशी जाते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अंतिम समय में जाते हैं लेकिन जीवित, जो हमारा वैदिक शास्त्र का जो विधान है, जीवित लोग काशी में मरना चाहते हैं, यह एक हमारी वैदिक परिकल्पना है। दुर्भाग्य है कि उनको काशी मृत रूप में ही दिखता है जी। काशी के जीवत रूप को उन्होंने ही देखा है जी। कि चंदाकार में बसी हुई काशी वह पूरे ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु है, जहां से सारे ऋषि महर्षि ज्ञानी